रोजगार सहायक संगठन के प्रदेश स्तर के आह्वान पर अपनी मांग को लेकर कुरवाई ब्लॉक के सहायक सचिव तहसील परिसर के सामने टेंट लगाकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। सहायक सचिव की मांग है कि जिला संवर्ग के पद पर संविलियन कर नियमितीकरण किया जाए और पिछले 6 साल से वेतन वृद्धि में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, हमारी वेतन वृद्धि को बढ़ाया जाए। सहायक सचिव भूपेंद्र ठाकुर ने बताया, शासन के द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी लगभग 52 योजनाओं का कार्य GRS के द्वारा सफलतापूर्वक किया जा रहा है, परंतु शासन के द्वारा योजनाओं का लाभ GRS को छोड़कर सभी को दिया जाता है। कुरवाई से शानू खान की रिपोर्ट। किस संदर्भ में ये हड़ताल की जा रही है? जी, रोजगार सहायक संगठन प्रदेश स्तर के आह्वान पर 25 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। इसमें GRS संगठन की मुख्य मांग सहायक सचिव के पद पर जिला संवर्ग में संविलियन कर वेतन वृद्धि का है। 6 साल से GRS संगठन की GRS की कोई भी वेतन वृद्धि नहीं की गई है। सभी आदेशों में लगभग GRS को छोड़कर लिखा आता है जिनमें वेतन वृद्धि की जाती है। शासन की लगभग 52 योजनाओं का GRS द्वारा सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। जैसे मुख्य योजनाओं में संबल योजना के कई संबल के कार्ड GRS ने बनाए हैं, लेकिन उस योजना में हम स्वयं पात्र हैं। जैसे संबल के तहत कोई श्रमिक पात्र है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसे 4 लाख रुपये राशि प्राप्त होती है, लेकिन ना तो हमें शासन की तरफ से कोई राशि प्राप्त होती है, ना ही हमारा संबल आदि के कारण है तो वहाँ से भी हमें कोई राशि प्राप्त नहीं होती है। आयुष्मान योजना जो महत्वपूर्ण योजना है, उसमें एक परिवार को 5 लाख रुपये तक जो स्वास्थ्यता का लाभ, चिकित्सीय लाभ मिलता है, उसमें भी GRS को पात्र नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।